सर बंधु, ये आज हम आपको दिखाएंगे दो लेयर देसी पोल्ट्री का फार्म। ये देखिए, यहाँ पे अराउंड 2.5 से 3 फुट में एक लेयर हुआ है और उसके बाद 4 फीट में एक लेयर हुआ है। नीचे देसी पोल्ट्री है, ऊपर में आप देखेंगे तो कड़कनाथ का पोल्ट्री रखा हुआ है। इसका फ्लोर को देखेंगे तो टीन और एडवास्टर टाइप का चीज दिया हुआ है, जिस चीज़ों से उसका जो रेड़ी होता है, लेटरिंग होता है, वो नीचे नहीं गिरता है और नीचे वाला अलग से रहता है। इसमें आप देखेंगे फीडर और ड्रिंकर सेट किया हुआ है और नीचे के भी फीडर एंड ड्रिंकर सेट किया हुआ है। आते हैं बाहर, फिर शाम होते 6 बजे पूरा अंदर आ जाते हैं। जब अलग दोपहर से उनको दाना पानी सब डाल के छोड़ देते हैं, घर का काम हो गया है 10-11 बजे। दीदी का कहने का अनुसार, यहाँ का जो मालिक है उनका बात का कहने का अनुसार, पूरा दिन भर मुर्गी को छोड़ देते हैं बाहर, बाहर ग्रेजिंग करते हैं और साथ में कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फीडिंग देता है। फार्म का बाहर में जब मुर्गी जा रहे हैं उस समय 5 से 6 दिन शुरू का स्तर में थोड़ा केयर रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय जंतु जानवर का अटैक होता है और प्रैक्टिस में लाने के लिए कि अपने से वो अपना फार्म में आ जाए, इस समय ध्यान रखता है। बाकी समय ऑटोमेटिकली वो 6 बजे 5:30 बजे अपना फार्म में चले आते हैं। ये प्रैक्टिस भी आप थोड़ा केयरफुली देख सकते हैं। 2 साल से कर रहे हैं और आप देखेंगे तो इसका साल में 2 लाख से 2.5 लाख रुपया रोजगार आ जाता है। मार्केट लिंकेज में इसका कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि ये देसी पोल्ट्री है, कड़कनाथ पोल्ट्री है, जो डिमांड में आ जाता है। नेक्स्ट जब साइकिल करते हैं, इसमें से जो अंडा निकलता है वो उनका पास में एक हैचिंग मशीन है, हैचिंग मशीन के माध्यम से नेक्स्ट चूजा कर लेते हैं। लो कॉस्ट हैचिंग मशीन मदद करता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे पानी डाल के अंडा डाल देते हैं, 21 दिन को 22 दिन चूजे निकलते हैं सर। अच्छा, और इसको इसी में चूजा आ जाता है। हाँ, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये उठा के भी देख सकते हैं, इसको अंडे सब फिरा, पूरा क्लोज रखना है उतना दिन। हाँ, उसको हाथ से सब फिराते रहना दिन में 4-5 बार। अच्छा, ऐसे करना है। और यदि लाइट ऑफ हो जाता है? इन्वर्टर है हमारे पास। इन्वर्टर है, ओके ठीक है। और इसमें इसमें क्या है? इसमें सर ये धो के फिर अंडे डालना है, गंदा होगा। हाँ, मतलब ये दूसरा मशीन है। हाँ। ओके, उसके बाद जब चूजा होता है यहाँ पे रखते हैं। हाँ। कितना दिन रखते हैं? 8 दिन में सर रख लेके फिर वहाँ पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, अपने फार्म से ही देसी और कड़कनाथ का अंडा मिल जाता है और उसी का इसमें हैचिंग किया जाता है, तो बिजनेस आसान होता है इसका कारण पे भी। इसका अंडा का साथ साथ में मीट के लिए इस मुर्गी को बेचा जाता है, जिसके लिए इनका पास में बहुत अच्छा लिंकेज है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है। आप और अच्छा से समझना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल्स बता पाएंगे, तो आप एक बार सोच के देख सकते हैं। ये अच्छा एक चीज़ हमारा नज़र में आया, आपको दिखाने का कोशिश की।